नमस्कार। बहुत प्यार आप सबको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं आपके लिए, आपके अपनों के लिए। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि इस वक्त हम सभी एक बहुत परेशानी वाले माहौल से, परेशानी वाले वक्त से गुजर रहे हैं। एक ऐसा वक्त जिसमें न चाहते हुए भी हम डरे हुए हैं, न चाहते हुए भी हम कुछ निगेटिव थॉट्स के बीच में फंस गए हैं, अपनों के लिए, अपने अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारे आसपास के जो हम लोग माउथ टू माउथ बातें सुनते हैं, समझते हैं, बताते हैं, हर पल एक नई खबर इंतजार कर रही होती है जो अच्छी नहीं होती है। हम सब उस खबर से बचना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो खबर हमसे दूर रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल जो चीजें हमसे बहुत दूर थी, सचमुच हम सिर्फ उन्हें न्यूज में पढ़ रहे थे, वो इस बार हमारे बहुत पास आ रही हैं, उनकी आहट हमें बहुत पास से सुनाई पड़ रही है। और मुझे मालूम है कि मैं बहुत गोल गोल भाषा में बात कर रही हूँ, और सच मानिए वो इसलिए क्योंकि मैं जो सही बात है, जो स्पष्ट भाषा है, वो मैं इस्तेमाल करने से डर रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हम इस बुरे दौर से गुजर जाएं। ईश्वर की बात आई है तो आस्तिकता और नास्तिकता अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन एक वो चीज जिसे हर इंसान मानता है, उसे मानना ही चाहिए, वो है हमारी प्रकृति। अगर आप ईश्वर को उसके मूर्त रूप में नहीं मानते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति को मानते होंगे, और वो अदृश्य शक्ति जब अपना मूर्त रूप आपके सामने लेकर आएगी, तो वो होती है प्रकृति, नेचर। और यकीन मानिए, नेचर ने हमें हमारे सारे सवालों का समाधान दिया हुआ है, हमारे हर डर को दूर करने के रास्ते बताए हुए हैं। ये हमारी ओर से ही कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है कि हम प्रकृति को समझे नहीं है, और उसमें छुपे हुए बहुत सारे रहस्यों से, बहुत सारी पद्धतियों से, बहुत सारे रास्तों से हम अनजान हैं। जो जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, राधिका सिंह जुड़ी है, राधिका बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर मैं, जो तुमने उस दिन मुझसे बात कही थी कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी हम बात करें, तो आज हम एग्जैक्टली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी उपचार पद्धति पर बात करने जा रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और वो है बैच फ्लावर थेरेपी। यकीन मानिए, मुझे भी ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और अब भी आधी अधूरी जानकारी है मेरे पास। फ्लावर शब्द जुड़ा हुआ है, फूल शब्द जुड़ा हुआ है, तो एक सहज उसके लिए उत्कंठा जागती है, लेकिन वो दरअसल क्या है नहीं मालूम। हमारे लिए फ्लावर मतलब सजाने की चीज, किसी को उपहार में देने की चीज, लेकिन फ्लावर से कोई इलाज भी होता है, और वो इतना गहरा होता है जो आपकी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है। तो आज एक विशेषज्ञ को लेकर मैं आपके पास आई हूँ, ये विश्वास रखते हुए कि आज का जो दौर है, जब हमको मेंटल हेल्थ को फिट रखने की बहुत जरूरत है, एक दूसरे के साथ इमोशनल जुड़े रहने की बहुत जरूरत है, ऐसे में वो आपके लिए बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे। और वो है श्री इंद्रनील मुखर्जी, जो बेंगलोर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हैं, और मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन इस वक्त मैं उनको एक्सपर्ट के तौर पर अपने बीच में ला रही हूँ। दादा प्रणाम, नमस्ते। रितु कौशिक जी हमें देख रही थी, रितु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और पूजा मुखर्जी जी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा, जैसे मैंने बताया कि बैच फ्लावर थेरेपी, जब मैंने आपसे इस बारे में बात की, और आपने बताया कि इसकी कितनी गहराई है, कितना प्रभाव है इसका, तब मैंने थोड़ा सा इस पे शोध तो नहीं कहेंगे, लेकिन लघु शोध अपनी ओर से करने की कोशिश की, और कमाल की बात है कि उस शोध में आपका ही लिखा हुआ आर्टिकल जो आज ही डॉक्टर्स एंड टीवी में आपने मुझे भेजा पढ़ने के लिए, वो था, आपके वीडियोस थे, और भी चीजें थी। तो मैं सीधे आपसे ये सवाल करती हूँ कि बैच फ्लावर थेरेपी क्या है, और आज के वक्त में उसका क्या महत्व है हमारे लिए? जी, और सबसे पहले तो धन्यवाद प्रतिमा जी आपको।
जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, आपसे जब भी बातचीत होती है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ आपके साथ। और ये जो हमारा आपसी तालमेल है वही है इसकी वजह। और आज भी शायद हमें लग रहा है कि ऐसी कुछ बातें शायद निकल आएंगी आपके सूत्रधारत के जरिए, जो शायद मैंने कहीं ना कही हो और लोगों ने कहीं ना सुनी हो। तो मैं उसी की आशा करता हूँ। तो ये एक बहुत ही अनोखी चीज, एक बहुत अनोखी उपचार है, एक बहुत अनोखी सिस्टम है, एक पद्धति है। और आप समझिए कि ये सिर्फ करीब 120 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो क्या हुआ, ये सन 1900 के शुरू में एक डॉक्टर होते थे, मशहूर डॉक्टर थे यूके में, उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड बैच। और वो हाले स्ट्रीट के डॉक्टर होते थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होते थे, लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म के डॉक्टर थे। वो लोगों का इलाज करते थे और उस इलाज से नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? उनको लगता था कि मरीज आते हैं, उनकी बीमारी बताते हैं और वो बीमारी को एड्रेस करने के लिए कुछ दवा दे देते हैं, वो बीमारी चली जाती है और फिर वो बंदा दूसरा बीमारी लेके भी आता है, फिर उसके लिए भी दवा देते हैं, फिर वो चली जाती। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन सी पद्धति है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जहां हम उसका जो अंतिम इफेक्ट है उसको मैनेज कर रहे हैं, न कि उसका कॉज को हम मैनेज कर रहे हैं, न कि उसके कॉज को हम हील कर रहे हैं। तो वहां से उनका ये खोज शुरू हुआ कि कैसे हम इंसान की तमाम बीमारियां, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जज्बाती हो, जो भी हो, तमाम बीमारियों को उसके कॉज से हम उसको निर्मूल कर सकें। ये उनका मूल क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स था। तो वो क्या करते थे, वो नेचुरलिस्ट भी थे। वो नेचर में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थी कि कुदरत के पास हम सब होना चाहते हैं, नेचर के पास हम सब होना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा देन है। और वो बहुत ही करीब थे। तो वो जाते थे वॉक्स पे और इंग्लैंड के कंट्री साइड में वॉक करते करते कभी कभी कोई पेड़ के नीचे कुछ फूल की पंखुड़ियां गिरी हैं वो उठा लेते थे, सूंघते थे, उसके उसके ऊपर जो ओस की बूंदे होती थी उनको पी लेते थे। ये सब करते थे वो। आज के दुनिया में लोग शायद बोलेंगे वो थोड़ा पागल थे, बट शायद उनके पागलपन के वजह से ही वो उन्होंने इतनी इतनी बड़ी एक पद्धति, इतनी महान, एक अजीबोगरीब पद्धति उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो ऐसे करते करते उनको अचानक लगा कि कुछ फूल ऐसे हैं जिनकी जिन जिनका जो जो अर्क होता है ना, उस अर्क से हमारा जो मानसिक जो अस्तित्व है वो बदल सकता है। तो उस पे वो शोध करने लगे और वहीं से निकले कुछ 37 फूल के अर्क, 37 ऐसे फूल के अर्क जिनकी वाइब्रेशन, जिनका जो कंपन है। आपको ये बात तो मालूम ही है और हमारे दर्शकों को भी मालूम है कि ये जो हम स्थूल शरीर देखते हैं यही हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा असली असली अस्तित्व जो है वो हमारा एनर्जी है, वो हमारा वाइब्रेशन। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो 37 फूल हैं इनका वाइब्रेशन है इतना स्ट्रांग और इतना ज्यादा है कि हमारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको वो साफ कर देता है बिल्कुल। जैसे कि आप, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे कि आ, 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 सर्दी के मौसम में धूप जब निकलता है वो पहाड़ों पे जमा हुआ बर्फ को बिल्कुल गला के पिघला देता है, वैसे। तो उन्होंने इन 37 फूलों को चुना और एक और उनका एक जो सोर्स है उन्होंने सुना चुना वो ये है कि वहां जो झरने का पानी होता है वहां का,
उसमें भी ऐसे ही वाइब्रेशन उन्होंने माना कि उसकी एक क्षमता है कि वो कुछ प्रकार के जो जज्बाती या मानसिक हमारा जो ब्लॉक होता है, जो तकलीफें होती हैं, उनको गला के पिघला के निकाल देता है। अब उन्होंने इसका अर्क निकाला 37 फूलों का, और ये खैर झरने के पानी का तो अर्क कुछ होता नहीं है, वो खुद झरने का पानी ही अर्क है। तो ये पानी में अर्क निकाला और उन्होंने इसको अल्कोहल में प्रिजर्व किया और इसके साथ अपना टेस्टिंग शुरू कर दिया। तमाम सालों टेस्टिंग हुई और पता चला कि ये 38 बैच फ्लावर रेमेडीज 38 डिफरेंट टाइप के हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को गला के पिघला के साफ सुथरा करके नए सिरे से हमारे जिंदगी में सनशाइन या आनंद लेके आ सकते हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि वहां से शुरू हुआ इसका प्रैक्टिस। तो जो काफी लोग जो दूसरे अल्टरनेटिव थेरेपीज करते थे, स्पेशली जो साइकोथेरेपी करते थे, उन्होंने इससे इसको अपनाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इस दोनों में एक तालमेल है कि साइकोथेरेपी में जैसे हम लोगों से बातचीत करके उनकी जो दिमागी हालात है उनको उनको उसका उसका सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे बातचीत के अलावा भी हम कुछ और साथ में दे सकते हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और जो इफेक्ट हो वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो। तो जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इन 38 रेमेडीज को छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस में मिलाया जा सकता है, 4, 5, 6, 7 से ज्यादा नहीं। ओके, तो ऐसे करते 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 आज के दिन में एक आंकड़ा मुझे मिला है कहीं से कि करीब 3 मिलियन, यानी कितने होते हैं 30 लाख, राइट, जो भी हो, 3 मिलियन कॉम्बिनेशंस और कॉम्पोजिट्स आर पॉसिबल थ्रू दीज 38 बैच फ्लावर रेमेडीज। तो आप समझ लीजिए ऐसा कोई शायद 3 लाख लगभग, हाँ 3 लाख लगभग, ऐसा कोई रोग ना हो जिसको इसके द्वारा हम एड्रेस ना कर सकें। और जैसा कि डॉक्टर बैच ने कहा था, सच मानिए, और ये मेरे निजी तजुर्बे से भी बोल रहा हूँ, इसके जरिए हम बिल्कुल जड़ से कोई बीमारी को हील कर सकते हैं। दादा, इस वक्त जो सारी दुनिया में माहौल बना हुआ है वो हम सब वाकिफ हैं उससे, और एक वायरस ने हम सबकी जिंदगी को बिल्कुल कांटे पे ला दिया है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, क्या अमीर, क्या गरीब, सब इसकी जद में है। तो एक इस वक्त जैसे आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हर तरह के रोग का निवारण होता है, आज की तारीख में अगर आपसे प्रैक्टिकली कोई ये जानना चाहे, पूछना चाहे कि बैच फ्लावर थेरेपी इस वक्त किस तरह से हमारी मदद कर सकती है इस बीमारी के दौरान या इस माहौल में। और मैं दर्शकों से भी कह दूं, जो देख रहे हमारे दोस्त, दर्शक नहीं वो हमारे दोस्त हैं, कि आप भी अपने सवाल इस विषय पर इंद्रनील जी से पूछ सकते हैं, वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो इसको लेकर तो आप यहाँ पे लिखें, हम उनसे पूछेंगे। तो दादा, मेरा सवाल था कि आज के समय में इस वक्त जिस तरह की परेशानी में हम सब घिर चुके हैं, इस तरह से हमारे हमारे देश में घोषित नहीं हुई है लेकिन मेडिकल इमरजेंसी का वक्त आ गया है, उस समय ये रेमेडी, ये थेरेपी किस काम की है हमारे, और किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको, हमको, सब जगह सबको मालूम है कि ये जो भयावह वायरस है इसका इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका वैक्सीन निकला है लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही क्या बताएं, टेम्परेरी है और इमरजेंसी बेसिस पे किया जाता है। तो अगर हम इससे बचना चाहें तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो आपको मालूम है, हम जितना भीत, जितना संतरस्त होंगे इसको लेकर, उतनी हमारी इम्यूनिटी कम होगी, और जितनी हमारी इम्यूनिटी कम होगी
उतना ही हमारा इन्फेक्टेड होने का चांस बढ़ेगा। तो इसका जो भय है, इसका जो घबराहट है, उसको हम बैच फ्लावर थेरेपी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये एक बहुत ही सुंदर शोध जो आज के एनडीटीवी के आर्टिकल में आपको मैंने आपको भेजा है, जिसमें लिखा है कि ये चूंकि ये फ्लावर्स, इनकी ये फूलों का वाइब्रेशन कोई 4000 हर्ट्ज से भी ऊपर है, 2000 से 4000 हर्ट्ज, जबकि इंसान का जो सबसे अधिक आनंदमय अवस्था में जो वाइब्रेशन होता है वो 700 से 800 है। वो वायरस का कितना है? 2.5 to 5 ऐसा कुछ है, मतलब बहुत ही कम है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम बैच फ्लावर, कोई भी बैच फ्लावर थेरेपी में से जुड़े रहें अपना थेरेपी, और इसमें आपको ये मानना है कि ये मेडिसिन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आज 4 साल हो गया, ऐसा दिन नहीं है कि मैंने बैच फ्लावर रेमेडी नहीं ली, ये मेरे लिए सांस के बराबर है, ये मेरे लिए सांस के बराबर है, मतलब ये जान ये कर एक तरह से जीवन शैली होनी चाहिए आपकी, ये जीवन जीवन शैली बन शैली जाती है होनी, ये। बिल्कुल। तो ये अगर हम इसको जीवन शैली बना लें तो चांसेस ऑफ द वायरस इन्फेक्टिंग बहुत बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन लेवल कहीं ज्यादा रहेगी ऑल द टाइम। तो मैं तो विश्वास बिल्कुल करता हूं, मैं और मेरे परिवार वाले लोग, हाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमको हम कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज से नहीं, ईश्वर 2 साल पहले। ना हाँ करे हाँ आपको भी मैं भेज दूंगा, आप भी लेते रहिए और देखिएगा आपकी इम्यूनिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। तो ये एक बहुत जरूरी बात बताई इंद्रनील जी ने कि ये कोई दवाई नहीं है कि आप बीमार होने के बाद शुरू करेंगे, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखें। और ये जीवन, जैसे हम बोलते हैं पौष्टिक आहार लेना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये इलाज नहीं है, ये आपके जीवन की शैली होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल ज्यादा मजबूत हो सके अंदर से। तो ये इस तरह का कोई मुगालता नहीं होना चाहिए या कोई गलत जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए आपके पास कि बैच फ्लावर थेरेपी कोई मेडिसिन की थेरेपी है जो आपका इलाज कर सकती है किसी रोग में आने के बाद, लेकिन वो आपको मजबूत कर सकती है, पहले से आप आपके अंदर इतने वाइब्रेशंस को पैदा कर सकती है कि बाहर से आने वाला कोई भी वायरस कमजोर पड़ सके। दादा तुलिका शर्मा जी हैं जो आकाशवाणी ग्वालियर की अनाउंसर हैं, उन्होंने एक सुलेखा सवाल जी, किया है नमस्कार। कि जी कि एक परिवार में माता पिता दोनों पॉजिटिव हैं, पिता हॉस्पिटल में हैं और जो उनके बच्चे हैं युवा बच्चे पैनिक हो रहे हैं, अब इस पैनिक को कैसे हैंडल किया जाएगा? हाँ तो उसके आप कुछ काउंसलर भी हैं, रेमेडी, आप काउंसलर भी हैं हाँ तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब अच्छे से हाँ दीजिए। तो कोई 5 या 6 रेमेडीज हैं, उनको हम मिला के उनके पानी के साथ मिला सकते हैं, और उनके उनको दिन में 4 बार अगर हम देते रहें तो उनकी पैनिक बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और इस पैनिक के पीछे जो भय है वो भी चला जाएगा, और आप देखेंगे ये काफी आनंदमय वातावरण में ये लोग रहेंगे। ये मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है, मैं भी इंसान हूँ, जब ये कोरोना का जो भय पिछले साल शुरू हुआ था मुझे भी एंजाइटी हुई थी, मुझे भी पैनिक हुई थी, घर वालों को भी हुई थी, तो मैंने भी लिया, और इसका इतना मैजिकल इफेक्ट है, आपको क्या बताएं तुलिका जी, कि मिनटों में इसका असर आपको दिखता है, मिनटों में। और इसको अगर हम लेते रहे लेते रहे, आज भी मैं बोल रहा हूं सुबह उठ के 4 गोली एंग्जाइटी की मैं लेता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे एंग्जाइटी है, इसलिए कि मुझे एंग्जाइटी ना हो। तो तमाम, जैसे प्रतिमा जी बता रही हैं कि कहीं भी हम सोशल मीडिया में जाएं तो जो खबर देखते हैं वो बुरी खबर है, पहले होता था बुरी खबर से हम बहुत अफेक्टेड हो जाते थे और हमारे अंदर घबराहट होती थी, अब घबराहट नहीं होती, अब लगता है कि हम उनको जाके कोई सेवा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। दादा आम आम लोगों के बीच में तो ये स्थिति बन गई है कि बुरी खबर हम एक देखते हैं और उस पर ठीक से हम रिएक्ट भी नहीं कर पाते तब तक अगली बुरी खबर जी मिल जाती है। इस समय जो बिल्कुल बिल्कुल स्थिति है हमारी, और
शायद पैनिक इससे ज्यादा हो रहा है, घर में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, बाहर इससे अधिक हो रहा है, हम कहीं जा नहीं सकते। जिस अगर अपने किसी हाँ करीबी के साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, तो उसके घर जाके हम उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, कंसोल नहीं कर बिल्कुल, सकते, अपने घर हाँ में रहना है, ये सब चीजें। और तुलिका से मैं ये कहूंगी, तुलिका आप पहली बात तो ये कि जो भी पॉजिटिव है उनका प्रॉपर इलाज में बिल्कुल कोताही ना करें आप, जो भी परिवार है ये, और पिता हॉस्पिटल में है तो मैं समझ सकती हूँ, इस समय जो हॉस्पिटल में है उनके घर का हाल मेंटली फिजिकली सोशली बहुत बुरा हो रहा है। बच्चे युवा हैं, आपने अच्छा हुआ ये लिखा ताकि मैं उनको समझा के बता सकूं कि आप बच्चे अगर बड़े हो गए तो पैनिक बिल्कुल बिल्कुल ना हो। किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले आपको स्टेबल होना जरूरी है, और तब जाके बिल्कुल आप चीजें बिल्कुल लेंगे। और जो फिर जो मेडिसिन दादा ने बताई है, थेरेपी, जो जो भी रेमेडीज हैं वो आप लेते रहें, जैसे हम लोग जीने के लिए सांस लेते हैं। और अच्छी बात यह कि बैच फ्लावर थेरेपी के साथ भी यही बात है मेरे ख्याल से, कि इसके कोई बुरे इफेक्ट नहीं होते हैं आपके ऊपर, अगर आप ले रहे बिल्कुल हैं नहीं है, तो हाँ अच्छा ही इफेक्ट होगा। दादा एक चीज मैं पूछूंगी, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है और बैच फ्लावर थेरेपी है, तो जो बैच फ्लावर थेरेपी है वो किसके अधिक करीब है, होम्योपैथ के कि आयुर्वेद के, या तीसरा इसका अलग ही एक अलग पहचान है, तीसरी तरह इसका की ये एक अलग, पद्धति है? इसका जी एक बहुत ही अलग स्तर है। पद्धति होम्योपैथी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन ये इसको समझाने के लिए आपको मैं बताऊं कि पतंजलि जी हमारे जो योग शास्त्र के जो कर्णधार, जो पिता माने जाते हैं, 5,000 साल पहले उन्होंने पंच कोशों की बात की थी। तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये जो आयुर्वेद है ये अन्नमय कोश पे काम करता है, बिल्कुल हमारे जो स्थूल शारीरिक जो हमारे हमारा कोश है, जो लेवल है उस पे काम करता है। होम्योपैथी मनोमय कोश पे काम करता है, यानी कि हमारे हमारे मन के जो विचार हैं, हमारे मन के जो भावनाएं हैं उस पे काम करता है। लेकिन बैच फ्लावर थेरेपी काम करता है हमारे उस जगह पर जहां हम उसके साथ, हमारा जो उच्चतम एग्जिस्टेंस है, अहम ब्रह्मास्मि, उसके साथ हमको कनेक्ट कराता है, जिसको हम विज्ञानमय कोश बोलते हैं। और इसका इसीलिए काम अनकॉन्शियस पे ज्यादा होता है। आपको मालूम होगा शायद कि हर इंसान का करीब 90% या उससे ज्यादा उसके अनकॉन्शियस में होता है और उसको मालूम नहीं है कि उसमें क्या है। तो ये बैच फ्लावर थेरेपी, और ये इतनी सादगी वाली थेरेपी है, इतनी आसान थेरेपी है, ना कोई चीर फाड़, ना कोई उठना बैठना, कुछ नहीं। ये जाएगा और वहां जाके जो आपके जो अनकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं उनको निकाल देता है, पूरा निकाल के हमको फिर हमारा हमारा जो ओरिजिनल, हमारा जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है, हम जिसको हायर सेल्फ बोलते हैं, उससे जोड़ देता है। और एक बार जोड़ देता है तो प्रेरणा मिलती रहती है, स्वास्थ्य वहीं से आता है, और कोई मतलब बीमारी की कोई कारण ही नहीं होती है। तो जब बीमारी हो जाती है तब भी हम बैच फ्लावर रेमेडी देते हैं कि हम उसको जुड़ा दें, और जुड़ा के वो उसका हीलिंग वहां से हो जाए। ये बड़ा अजीबोगरीब इसका फंक्शनिंग है। जी दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब किसी भी थेरेपी या किसी भी पद्धति की हम जड़ से जानकारी रखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जी तुलिका बच्चों से बात करके आपने कंसोल किया है तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं यही कहूंगी कि पैनिक ना हो, खास तौर पे जो युवा हैं, जिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चीजों को संभाल लेने की, या जो भी सक्षम लोग हैं उनको अपने डर को, अपनी परेशानी को कुछ कंट्रोल में रखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए ही हाँ, रिएक्ट करना तो चाहिए। आई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रतिमा जी। जी 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 आप दादा मेरे तरफ से मेरे दोस्तों को बताएं कि कोई भी ऐसी तकलीफ अगर हो, आप आपके द्वारा या फिर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करें, और या तो मैं रेमेडी उनको प्रेस्क्राइब कर दूंगा, या तो मैं खुद बनवा जी के भेज दूंगा। मैं इस सवाल पे भी आ रही हूँ दादा। एक सवाल है, सुशील कुमार वर्मा जी हैं, वो हाँ जानना जी चाहते हैं कि, और उनकी बात सही है कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी किसी बात पर भरोसा कर लेते हैं, सुनी हुई बात को जी वो मानने लगते हैं,
ये बातें बिल्कुल उनके हक में नहीं भी हो सकती हैं, वो गड़बड़ भी हो जी, सकती है, हाँ लेकिन कुछ हाँ चीजें सही है फिर भी वो मतलब अपनी अपने ही मन की करते हैं। और वो लोग कुछ बिल्कुल ऐसे हैं जो वैक्सीन से डरे हुए हैं, वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें कोई समझाइश काम नहीं करती उनके ऊपर। नहीं क्या नहीं नहीं ऐसे हुआ। लोगों पर भी ये थेरेपी कारगर है, ये पूछ रहे एक हैं सुशील एक जी। एक एक रेमेडी है जिसका नाम है रॉक वाटर, जो आपको मैंने बताया जो झरने के पानी से बनता है, वो इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जिसमें रिजिडिटी है कि मुझे वैक्सीन नहीं लेना है, मुझे एंटीबायोटिक नहीं लेना है। ऐसे भी लोग हैं जो एंटीबायोटिक नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है और झरने के पानी जैसा उनमें फ्लो ला देता है, और वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं वैक्सीन ले लूंगा, मैं एंटीबायोटिक ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। रॉक वाटर मैं बता रहा हूं, ये तो वाकई अजीब कमाल की बात है। पूजा जी कह अजीब। रही है कि आप कुछ रेमेडीज के बारे में बताइए बताइए, जो हम लोग तैयार कर सकते हो अपने पैनिक मैनेज करने के लिए, और अच्छा ये आपको रेमेडीज कहाँ बताते हैं। मिलेंगी ये बताइए। हाँ जी हाँ तो एक तो ये रेमेडीज आपको 1 mg में मिलेंगी, अमेजन में मिलेगी, healthmug.com में मिलेगी, dr.bfr.com में मिलेगी, मेरा अपना जो वेबसाइट है allthatbatch.com, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जा सकते हैं जाके मिल ये, और आपके होम्योपैथी जो आसपास के दुकान हैं, सबसे आसान होगा कि अगर उनके पास जाएं और जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, उनको बोलें वो बना के आपको दे दें, क्योंकि इसके बनाने की भी एक पद्धति होती है, कॉम्बिनेशन को बनाना, कितना पोषण डालना है नहीं डालना है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे, या तो फिर आप मुझे बताएं मैं बनवा के भेज दूं। अब पूजा जी बोल रही है रेमेडीज के कुछ नाम बोलें, सबसे बड़ा रेमेडी जो सबको चाहिए इस वक्त वो है क्रैब एप्पल, 1 क्रैब एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अभी ये है क्रैब एप्पल, इन्फेक्शन की दवा है, कोई कंटेमिनेशन को आने नहीं देता है अंदर, अगर है तो उसको धो के निकालता है, उसको उसको बोला जाता है इमोशनल वैक्यूम क्लीनर, एक सबसे बड़ी दवा ये। हाँ तो मैं ये बोलता हूं एक रेस्क्यू रेमेडी है, वो डॉक्टर बैच ने खुद ये एक कॉम्बिनेशन बनाया था, रेस्क्यू रेमेडी लाजवाब रेमेडी है, इसको साथ में रखिए, साथ में क्रैब एप्पल मिलाइए, 5 बूंद रेस्क्यू रेमेडी, 5 बूंद क्रैब एप्पल, और एक और रेमेडी है ऑलिव, ऑलिव बोल के, ऑलिव वो ऑलिव नहीं जो हम खाते हैं, ये ऑलिव फूल का अर्क है, तो ये तीनों को मिला के आप लेते रहिए। अच्छा ऑलिव ना लें पहले शुरू में, आप क्रैब एप्पल बीच और रेस्क्यू रेमेडी ले, तो इसमें जो इनिशियल गले में खराश होता है और नाक में थोड़ा सा सड़सड़ाहट होता है, या फिर थोड़ा लगता है कि हमको हरारत सी होने वाली है, तो वो अगर शुरुआत में हम लें बंद हो जाएगा, लेकिन बुखार अगर आ गई तो बीज को हटा के आप ऑलिव डाल दीजिए रेस्क्यू रेमेडी के साथ, और 5 5 बूंद, 5 एक थोड़ा सा पानी, कोई क्वार्टर कप पानी में मिला के आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए, ऐसे दिन में हर आधे घंटे में करिए, अगर आपका एक्यूट सिम्टम है, अगर इतना एक्यूट नहीं है हर 1 घंटे में करिए, हर 2 घंटे में करिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको मैं बताऊं बैचलर थेरेपी में कोई, बहुत लोगों ने बहुत किताबें लिखी हैं लेकिन सच्चाई की बात है कि कोई नियम नहीं है, जो क्लाइंट के साथ काम कर जाए वही नियम है, समझ लीजिए। तो ये तो है अगर आपको इन्फेक्शन है, अगर नहीं है तो उससे बचने के लिए है, आपका जो ये पैनिक बता रही हैं प्रतिमा जी उससे बचिए, पैनिक की रेमेडी है रॉक रोज, मतलब भय का जो जो अंतिम स्तर है, उस स्तर में कोई पहुंच गया जो फ्रीज हो जाता है, जो उसको समझ में नहीं आता है कि आगे पीछे कहाँ जाए, वो रॉक रोज है। एक और किस्म का भय होता है कि मालूम नहीं क्या होगा, वो बहुत बहुत तकलीफदायक भय है, क्योंकि उसका सोर्स नहीं है कोई, सामने कुछ भयानक नहीं है हमारे सामने, लेकिन फिर भी हमें भय लगा हुआ है, एस्पेन। और एक और रेमेडी है चेरी प्लम बोलते हैं, उसमें क्या है हम अपना अपने ऊपर जो हमारा जो संतुलन है, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, वो चला जाता है, जैसे प्रतिमा जी ने अभी कहा कि आप अपने ऊपर संतुलन रखिए, आप पैनिक ना करिए, ये तो अगर संतुलन है तब रख पाएंगे ना, लेकिन दिमागी हालत ऐसे हो जाती है कि हम नहीं रख पाते, तो उस टाइम चेरी प्लम की जरूरत होती है कि हम अपने दिमागी हालत में वापस आ जाएं और अपने ऊपर संतुलन रख सकें, अपने ऊपर
संयम रख सकें। तो ये तीन रेमेडी हैं, और इसके अलावा भी कुछ और रेमेडी हैं। एक रेमेडी बहुत खास रेमेडी है, एंड ये तो मेरे ख्याल से सबके घर में होना चाहिए, व्हाइट चेस्टनट। ये दिमाग में कांस्टेंट मशीन चलता रहता है, चाहे कोरोना हो या फिर कुछ हो, कोरोना से जुड़ी हुई हमारे व्यवसाय में क्या होगा, हमारे नौकरी में क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, ये एक के बाद एक सोच जो चलता रहता है, सोच को काटने के लिए इतनी अच्छी रेमेडी है व्हाइट चेस्टनट। इसके साथ वॉलनट ले लीजिए, आप मानेंगे नहीं, कल रात को 1:30 बजे मेरी नींद खुल गई, और मैं मेरे वाइफ को बोल रहा हूं कि मैं, मेरा नींद पूरा हो गया, मैं उठ के काम करने वाला हूं, देखा सो जाओ। तो मैंने कहा यार सो कैसे जाए, दिमाग में तो बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज घूम रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये सब करेंगे। तो मैंने चांट करना शुरू किया। आप मानेंगे नहीं प्रतिमा जी, ये कभी कभी रेमेडी लेने की भी जरूरत नहीं होती है, इतने इतने अजीबोगरीब हैं कि आप इसकी चांट करिए तो इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी में आ जाएगी। व्हाइट चेस्टनट वॉलनट मैंने चांट करना शुरू किया, और मालूम नहीं कब मैं सो गया, इतनी गहरी नींद में सोया कि 6:30 बजे जब मैं उठता हूं, तब मुझे लगा कि बाप रे बाप, मुझे तो लग रहा है मैं बहुत देर से सो रहा हूं। तो ऐसे कुछ अजीबोगरीब रेमेडीज हैं, अब दादा, क्या ये बताएं। वाकई में मैं समझ पा रही हूँ, और जिस तरीके से आप बता रहे हो, जो डिटेल्स आप बता रहे हैं, मैं भी बस, जैसे कहते हैं समंदर आपने देख लिया, मगर आप सतह पे हैं, समंदर के अंदर जाएंगे तो जाने कौन कौन से मोती मिलेंगे। और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ, इतनी अद्भुत चीजें प्रकृति ने हमें दे रखी हैं, और आप जैसे जी एक्सपर्ट उन चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं जी दर्शकों से ये कहूँ, दोस्तों से आपसे ये कहूँ कि जैसे एक वायरस आया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसने पूरी जिंदगी तहस नहस करके रख डाली है इस वक्त सबकी, तो ये भी एक अदृश्य शक्ति ने का ही बनाया हुआ एक, कहते हैं ना, बिल्कुल प्रकोप होता है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी बातें, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। अगर आप वायरस की ऐसे बात करें, बीमारियों की बात करें, तो प्रकृति हमें, प्रकृति से वो चीजें आती हैं जब हम उसके नियमों को कहीं ना कहीं तोड़ रहे होते हैं, तो उपचार जी भी वही देती है हमें। मैंने पहले भी ये बात बोली है, बस उसको सोचने की, समझने की और जानने की जरूरत है। क्या हालांकि बहुत सुंदर है। एक सवाल है दादा, सौरभ चक्रवर्ती ने पूछा, हालांकि ये आपके विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी इन्होंने पूछा है कि होम्योपैथ इस बीमारी में कारगर है क्या? कई लोग कह रहे हैं कि ये कारगर नहीं है, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि होम्योपैथ इस बीमारी में, यानी कोरोना की बीमारी में, कारगर है क्या? तो सौरभ जी, मैं तो होम्योपैथ नहीं हूं, तो मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूं, इसीलिए मैं कोई उस टाइप का कोई रिमार्क नहीं दे सकता हूं। हाँ, मेरे जो होम्योपैथ दोस्त हैं, जिनके द्वारा मैं अपना होम्योपैथी चिकित्सा करवाता हूं, उनसे जब मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि हाँ, ये कार्यकर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और स्पेशली अगर शुरुआत के टाइम पे इसको लिया जाए। तो उन्होंने तो एक बार हम लोगों के लिए ये कई, आपको प्रतिमा जी मैं बता रहा था ना, कहीं पर इन ये बैचलर थेरेपी और होम्योपैथी में थोड़ा सा तालमेल है। तो जैसे हम लोग जी स्प्रे करते, बैचलर थेरेपी में भी हम स्प्रे करते ताकि एनर्जी सही बनी रहे। अब उन्होंने हमको भी एक स्प्रे भेज दिया कि घर के दरवाजे और खिड़कियों में स्प्रे करके रखो, कोई बंदा जिसका कोरोना पॉजिटिव हो वो आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगा। और एक दो ऐसा इंसिडेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कि कोई आने वाले थे हमारे घर पे, और किन्हीं कारणों से उन्होंने लास्ट मोमेंट में उनका आना उन्होंने कैंसिल कर दिया, बाद में पता चला वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो आप मान के चलिए होम्योपैथी में भी है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका जो विधिगत इलाज है उससे आप मतलब ना नहीं करिए उसको, उसको भी जारी रखें, होम्योपैथी भी करें, बैचलर भी करें, किसी से किसी का झगड़ा नहीं है, ये मान लीजिए, सब अपने अपने स्तरों पे काम करते हैं। जी और दादा, आमतौर पे हम ये मानते हैं कि होम्योपैथ जो होता है वो लंबा टाइम लेता है अपने प्रभाव को दिखाने में। बैचलर थेरेपी कितना समय लेती है अपने पूरी तरीके से आपके ऊपर असर करने के लिए? तो ये जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर घबराहट है और डर है और पैनिक है, ये तो फौरन अरेस्टेड हो जाएगा, लेकिन वो पूरा हील होने में टाइम
टाइम लगता है। तो आपको समझ लीजिए रेगुलर 4 बार वो लेना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 महीना। तो उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा उसको हम डोज कम करते जाते हैं, लेकिन उसका फर्क इतना है कि उसका इफेक्ट इमीडिएट होता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। अब कुछ बीमारियां होती हैं बैच फ्लावर थेरेपी में, जैसे जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे बाइपोलर हुआ या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ, ये सब मेरे पेशेंट रह चुके हैं ये लोग। ये सब बीमारी हील करने में काफी टाइम लग जाता है, 2-2.5 साल भी लग जाता है, क्योंकि ये मानसिक बीमारियां हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी की गहराई कितनी है, वो कितने दिनों से। अब एक कहावत है कि बीमारी ठीक होने में उतना टाइम ही लगेगा जितना टाइम उसको लगा है डेवलप होने में। तो यही है जवाब। दादा, एक बहुत ही अहम सवाल मनीष चौरसिया जी हमारे मित्र हैं वो पूछ रहे हैं। पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं कि उनको पहली बार ये जानकारियां मिल रही हैं, तो आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरा एक बहुत जरूरी सवाल जो कि शायद मुझसे मिस हो जाता, तो मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए भी, कि क्या कोई शुगर पेशेंट या हार्ट पेशेंट अगर है तो क्या उसके लिए भी ये रेमेडी काम करेगी, क्या उसके लिए कारगर है, और इसका 1 महीने का कितना खर्च आएगा? ये मैंने पूछा है तो शायद और लोग के काम की चीज भी है, तो ये बात है क्योंकि शुगर और हार्ट के पेशेंट्स के साथ बहुत डेलिकेटली हमको चीजें देखनी पड़ती है, तो क्या रेमेडी उनके लिए भी काम के लिए है और कितना खर्चा आता है इसका? तो मनीष जी, ऐसा है कि आप, मुझे लग रहा है आप पूछना चाहते हैं कि शुगर और हार्ट पेशेंट जो हैं उनके कोई बीमारी के लिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए हम बैच फ्लावर से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये है सवाल तो इसका अलग हाँ उत्तर है। ये भी है, मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर वो ये है तो क्या इन पे ये थेरेपी अपनाई जा सकती है, मतलब आजमाई जा हाँ, सकती है? वो अहम सवाल है। तो आपको पहली बात ये समझ लेना है कि ये शुगर हुआ क्यों, ये शुगर हुआ क्यों, इसलिए क्योंकि कोई भी जीवन के उस पड़ाव से हम गुजरे हैं जब हम बहुत बिटर हो गए थे, जब बहुत कड़वापन आ गया, जब जीवन के अंदर हम मिठास नहीं ले पा रहे थे। ये जितनी फिजिकल बीमारियां हैं, दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग, और जब उसको हम हील कर सकते हैं जड़ से, जो बैच फ्लावर ही कर सकता है, और कुछ और कोई, मैं आपको बता रहा हूं, जड़ से हील करने वाली और कोई पद्धति नहीं है, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। हाँ, होम्योपैथी उसके आसपास आती है। हार्ट, हार्ट का बताएं, हार्ट का प्रॉब्लम क्या है? हार्ट जब तक हमारे अंदर प्रेम अटका हुआ है, तब तक समझ लीजिए हम अगर अपने अंदर से प्रेम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तब तक वो कॉन्जेस्टेड हार्ट सिम्टम हो जाता है, हार्ट अटैक उसी की वजह से होता है। तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? वो जज्बातों को देखें, उनको हम हील करें, उसका धीरे धीरे हार्ट भी ठीक हो जाएगा। ऐसे और भी कुछ बीमारियां हैं, लोग वेरिकोज वेन लेके आए हैं, उनका ठीक हो गया। एक डायबिटीज के पेशेंट, इतना भी नहीं था उनका, हमको मालूम भी नहीं, मैंने कुछ, उन्होंने बोला कि ये हमारी जज्बाती हालत है, कुछ रेमेडी दे दिया। 3 महीने बाद उनकी सिस्टर ने हमको खबर दिया, सर उनका शुगर नॉर्मल हो गया है। अब ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज इन बैच फ्लावर थेरेपी हम मानते हैं हम इलनेस को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, उस शख्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो चूंकि हर शख्स यूनिक होता है, इसीलिए उसके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ ऑफ द शेल्फ दवा नहीं है कि कोई ले ले और वो ठीक हो जाए, इसके लिए कंसल्टेशन की बहुत जरूरत होती है, और कंसल्टेशन के बाद, उसको समझने के बाद, फिर हम उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने प्रतिमा जी को अभी पहले वाले सवाल में के उत्तर में बताया, जितना टाइम लिया था उसने उस बीमारी ने बनने के लिए, उतना ही टाइम उसको लगेगा पिघलने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपका
सवाल का जवाब दिया। जी, दादा एक सवाल जो कि इनका मनीष जी का आधा है, उसके साथ मैं अपना जोड़ के उसको बढ़ा रही हूँ आगे, कि जब इस तरह की थेरेपीज या रेमेडीज की बात होती है, इस तरह की पद्धति की बात होती है, तो हम आमतौर पे अपने आप मान लेते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज कुछ होगा, कुछ बहुत ऐसी चीज है जो हमारी एक आम इंसान के पहुंच से दूर की चीज है। मनीष जी ने भी ये पूछा है कि एक महीने में कितना खर्च आता है अगर इस तरह से हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसमें जो खर्च है वो कितना है, कितना अफोर्डेबल है ये? अच्छा, तो मैं खर्च से पहले ये बताऊं कि आप खर्च और नुकसान दोनों साथ रखें। एक तो हम खर्च करते हैं, हम एलोपैथिक मेडिसिन पे भी खर्च करते हैं और वो चीप नहीं होते हैं, लेकिन कभी हम उसके साथ ये नहीं जोड़ते हैं कि नुकसान कितना हो रहा है और उस नुकसान को न्यूट्रलाइज करने के लिए कल और कितना मेडिसिन लेना पड़ेगा। आप हिडन कॉज समझ रहे हैं ना मनीष जी? अगर आप समझ लिए हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बैच फ्लावर थेरेपी में कोई नुकसान की बात ही नहीं है, बल्कि जो नुकसान हो चुका है केमोथेरेपी या और कोई अंग्रेजी दवा से उसको हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है, इसमें खर्च के दो आइटम्स हैं, एक डॉक्टर का कंसल्टेशन और दूसरा दवा। ठीक है, अब कंसल्टेशन कोई समझ लीजिए 1000 से 2000 के रेंज में अच्छे डॉक्टर का, अच्छे थेरेपिस्ट का होता है। अब वैसे बहुत लोग हैं जो आ, 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 फ्री का भी करते हैं इलाज, बट हमको मालूम नहीं उनके बारे में, वो कितने अच्छे थेरेपिस्ट हैं, क्या करते हैं, क्यों फ्री करते हैं, ये भी नहीं मालूम। मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, मानता हूँ कि ठीक है, कुछ लोग आते हैं हमारे पास बोलते हैं पैसे नहीं है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं देना, जब होगा तब दे देना, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको प्रोफेशन का इज्जत करना चाहिए और जो प्रोफेशनल फी हो हमको लेना चाहिए। तो अपने हिसाब से 1000 से 2000 के बीच में कंसल्टेंट का फी होता है। अब मेडिसिन एक महीने का अगर हम देखते हैं तो समझ लीजिए करीब 500 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम एक महीने का। और तकरीबन आप लगा लीजिए कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक तो लगते ही हैं उसको हटाने के लिए, और अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हो तो और टाइम लगता है। तो और जैसे अभी प्रतिमान जी ने शुरू में बताया था, आप थे कि नहीं मालूम नहीं, कि ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। तो एक वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए एक और आपको मैं छोटा सा नुस्खा दे रहा हूं, ये बैच फ्लावर रेमेडीज का किट आता है, एक 2-2.5 हजार में 38 रेमेडी का किट, 30 ml का किट आपके घर में पहुंच जाएगा कुरियर के द्वारा। तो आप किट खरीद लीजिए, आप सीख लीजिए कैसे बैच फ्लावर थेरेपी होती है। मैं खुद कोर्स करता हूं, आप मेरे कोर्स में आइए, आपको मैं सिखा दूंगा। मैं तो यही चाहता हूं सब थेरेपिस्ट बन जाए और जो ये जो नीम हकीम है उनके पास ना जाए। और फिर उसके बाद आपको ना कंसल्टेशन देना है ना दवा खरीदना है, आप अपने आप अपने को डायग्नोज करें और दवा बनाएं और लेते जाएं और उसको एक वे ऑफ लाइफ बना लें। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही इत्मीनान से, और बहुत ही जैसे मैं बोलूंगी प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ इंद्रनील दादा ने इस बारे में बताया है। मनीष जी ने कहा है जी, वो सुन रहे हैं आपको। और दादा मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि जब आप कोई चीज अपनी जीवन शैली के रूप में शामिल करते हैं अपने साथ, तो जी वो उसकी आदत डालनी पड़ती है, और जब आपको आदत हो जाती है उन चीजों की, तो फिर आप उसके लिए रास्ता बनाते हैं अपने अपने तक लाने बिल्कुल का या उन बिल्कुल तक पहुंचने का। और जो बिल्कुल चीज बिल्कुल आपके हक में, जैसे योग करना, योग करना भी एक तरह से देखा जाए आज के प्रोफेशनल युग में, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं आप सीखने जाते हैं, फिर आप बहुत इंतजाम करते हैं, लेकिन जरूरी होता है कि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। बिल्कुल राधिका खन्ना जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हार्ट भी हील हो सकता है इस इन रेमेडीज से? ये थोड़ा सवाल अभी डिबेटेबल है, इस पे काफ़ी शोध चल रहे हैं।
अगर हम डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बात मानते हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक बहुत ही माने हुए डॉक्टर हैं। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, एक उन्होंने एक पेपर भी लिखा है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। तो वो बोलते हैं कि जेनेटिक्स से बड़ा चीज होता है एपिजेनेटिक्स। तो अगर जेनेटिकली हमारे कोई सेलुलर डिसऑर्डर है, हमारे विश्वास से, हमारे बिलीफ से उस डिसऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। अब इसका कोई, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बाचफ्लावर द्वारा इसको हम हील कर सकें या ट्रीट कर सकें, बट कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर जेनेटिक है, हम मान ही लेते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ठीक है, हम बाचफ्लावर करते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही मेरी एडवाइस होगी। बिल्कुल सही, और बहुत ही सही एडवाइस है कि जब आप कहते हैं ना कि जब आपके पास, आपने पहले ही बता दिया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब किसी या चीज का साइड इफेक्ट नहीं है तो हम, और वैसे भी जब हम जिंदगी की तलाश में जा रहे होते हैं तो हम हर पॉसिबल रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। जी इरफान आरिफ जी लिख रहे हैं कि कोरोना ने हर किसी को हकीम बना दिया। इरफान साहब, इसीलिए हम एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस दौरान, कि जो हम लोग व्हाट्सएप से और फेसबुक से हकीम बन गए हैं सारे लोग, वो सारे के सारे लोग एक्सपर्ट्स की बात सुने, और कुछ भी उन्हें अगर अपने लिए, अपने अपने लोगों के लिए अप्लाई करना है तो वो एक एक्सपर्ट एडवाइस के तहत करें। मनीष जी ने जी लिखा है कि ये तो बहुत कम है, 3,000 रुपए तो हमारी दवा का खर्च हो ही जाता है, तो बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका वो थैंक यू कह रहे हैं। मनीष जी, आप दादा हमारे को मैंने टैग किया है, तो आप उनसे मैसेंजर पे जाके बात कर सकते हैं और उनसे पर्सनली कनेक्ट होके आप बहुत सारी चीजें अपनी वहां सुलझा सकते हैं। और दादा सेशंस भी लेते हैं, मैं एक जानकारी चाहूंगी दादा, आपका सेशन जो है वो किस तरह से चलता है, वो क्यों है, और कैसे लोग उसमें आ रहे हैं, और किस तरह का फीडबैक हाँ आपको मिला है? हाँ तो आप मेरे वेबसाइट में जाइए तो फीडबैक आपको दिखेगा। और मैं, मेरा यूट्यूब यूआरएल जो है, मैं क्या अभी या लिख के दूं या आई डोंट नो, तो वहाँ भी टेस्टिमोनियल्स लोगों ने जी, रिकॉर्ड किए हुए हैं। मैं चाहूंगी कि अगर पूजा जी देख रही हैं प्रोग्राम को तो वो यूआरएल कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उसको हाईलाइट भी अच्छा कर दूंगी और लोगों को मिल भी जाएगा। जी, हाँ, तो क्या है कि इसकी एक वजह है क्यों मैंने ये कोर्स शुरू किया, कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई भाईजान ने बताया कि कोरोना ने सबको हकीम बना दिया, ये बहुत सही कहा है। और मुझे एक मेरी एक तकलीफ है कि मैं ज्यादा सत्य से दूर नहीं जा सकता हूँ। लोग जो तमाम धारणाएं लेके आते हैं, जो तमाम दृष्टिकोण लेके आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच है। और अपना नाम कमाने के लिए वो उसको कुछ भी करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि ये सही नहीं है। मैं अपना कोर्स चालू करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी क्या चीज होती है। क्लाइंट सेंट्रिक मतलब जिससे क्लाइंट ठीक हो जाए। मेरी धारणा क्या है वो बड़ी बात नहीं है, फलाना ने क्या कहा वो बड़ी बात नहीं है, इससे, इस रेमेडी से ये होता है या वो होता है, इस डिबेट में हमको नहीं जाना है। हमको यही देखना है कि पहले एक नंबर हम क्या क्लाइंट को समझे कैसे, क्लाइंट को जाने कैसे। नंबर टू, अगर हम जानते हैं, जान गए हैं, उसके जड़ तक हम कैसे जा सकते हैं, उसके अनकॉन्शियस तक कैसे जा सकते हैं। नंबर थ्री, अनकॉन्शियस में जो उनके ब्लॉक्स हैं उसके लिए रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं उनको हम लेते हैं। नंबर फोर, उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। ये चार चीजें मेरे कोर्स में होती हैं। और कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ, वो कोई भी डिसिप्लिन से आया हो। अरे आप, मेरे लास्ट बैच में छोटी सी 22 साल की एक लड़की थी, एमबीए कर रही है अभी भी, उसने पास भी नहीं किया है, क्या खूब बन गई 6 दिन में, एक्सपर्ट बन गई 6 दिन में, आपको क्या बताऊं उसको। और वो बोल रही है सबसे पहले मैं अपने घर में अपने माता पिता का चिकित्सा करूंगा करूंगी। तो आप कोई भी बैकग्राउंड से आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस है। और कुछ पद्धतियां हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिस से बनाए हैं, वो आपको दी जाएंगी और आप थेरेपिस्ट बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे थेरेपिस्ट बने ताकि वो जो जी हकीम जिनकी बात हम कर रहे थे वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में प्लीज चले जाए,
बैकग्राउंड में जाए और बिल्कुल। इशमीत कौर जी आपकी स्टूडेंट है दादा, वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इस थेरेपी के लिए। और मेरा आपसे एक सवाल और है कि आपका जो सेशन होता है ये 1-to-1 होता है या ग्रुप में सेशन होते हैं? हाँ, तो ज्यादातर ग्रुप में होता है, बट 1-to-1 भी हो सकता है। थोड़ा कॉस्टली ज्यादा होता है। कुछ लोग जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं ग्रुप में, वो बोलते हैं कि हमको 1-to-1 सेशन दो, तो थोड़ा डीप होता है अगर 1-to-1 हो, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। और ग्रुप में ज्यादा होता है, हर महीने होता है, और कोई 8 लोगों से ज्यादा मैं लेता नहीं हूँ उसमें, क्योंकि बहुत इंटरेक्टिव होता है, बहुत एक्सपीरियंशियल होता है। अपने मतलब लाइव कंसल्टेशन करना पड़ता है, अपने हाथ से प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़े। ज्ञान ज्ञान वाली बात नहीं होती यहाँ पे, पूरी प्रैक्टिकल होती है। 6 दिन, 2-2 घंटे पर डे, 12 घंटे का प्रैक्टिकल, समझ लीजिए। क्या बात है। तो ये बस वही बात है कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मतलब आप खुद इसमें आए और फिर आप समझ पाएंगे कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, इश्मित कौर जैसे लोग कह रहे हैं या जो दादा कह रहे हैं एज एन एक्सपर्ट, वो कितना कारगर है। और मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं इसको, ये बहुत खूबसूरत चीज है कुदरत के करीब जाने की और कुछ ऐसी चीज सीखने की जिससे आप अपनी पूरी जीवन शैली को बदल सकते हैं। और न बिल्कुल सिर्फ कोरोना बिल्कुल वायरस बल्कि आने वाले दिनों में जाने कौन कौन चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, उन सब के लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार हो सकते हैं। दादा बिल्कुल एक सही चीज मैं बात। जानना चाहती हूँ, क्या क्या बेस्ट फ्लावर थेरेपी जो है वो मनोचिकित्सा के भी करीब है? कहीं कहीं वो आपका मन भी ठीक करती है और आपका हाँ जो मतलब मनोचिकित्सा से जुड़ी हुई चीज है, क्या ये? हाँ मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ये हमारे जो मानसिक, जो मैं रोग नहीं बोलूंगा, जो मानसिक जो हमारे कंडीशंस होते हैं, जो जो तकलीफें होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए, अगर कोई रोग है उसको भी मैनेज करने के लिए, और बिल्कुल बहुत गहराई में जाएं, सीजोफ्रेनिया जैसे डिजीज को भी मैनेज कर सकती हैं ये। तो जैसे आपको मालूम है, सीजोफ्रेनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बैच फ्लावर थेरेपी से हम उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। मैंने बाइपोलर ट्रीट, जो जो मैंने आप बोल रही है मानसिक मनोवैज्ञानिक जो पेशेंट हैं, एक बाइपोलर पेशेंट थी, तो उसके जो पेरेंट्स आए थे, उन्होंने 6 महीने ट्रीटमेंट कराया मुझसे, फिर उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो ये है बैच फ्लावर की खासियत। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप बैच फ्लावर की तरफ ही जाइए अगर कोई मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर हो, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई एडिक्शन होने का कोई चांस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाता है कि ये कोई सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से। जी डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन से कोई निकला दवा खा के, फिर उसके बाद वो दवा का एडिक्शन हो गया उसका। डिप्रेशन और एंजाइटी तो बहुत आराम से बैचलर हील कर पाती है, बहुत ही आराम से। तो ये जी मनोवैज्ञानिक दादा या मानसिक या जज्बाती जो भी बीमारियां या तकलीफें हों, उनके लिए खासकर ये दवाएं, ये थेरेपी है। जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनछुए विषय पर हमने आज बात की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में बिल्कुल, कि मैं खुद इस थेरेपी से, इन रेमेडीज से और इस पद्धति से अनभिज्ञ थी जब तक दादा से मेरी बात नहीं हुई थी। और मुझे लगा कि जब हर तरफ कहते हैं आजकल हम आज उस जगह आप पहुंचे हैं हमारे देश में कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, मतलब ये और जो हम अब तक फ्री में जो चीजें फ्री में कुदरत हमको दे रही थी वो चीजें हमारी जिंदगी से खत्म हो रही हैं और हम उनकी कीमत बताइए। समझ रहे हैं। तो इसमें हम जितना कुदरत के पास जाके समझ सके, ठीक है अभी हमारे लिए आज के आज चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हम जीवन जीवन शैली बनाते हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपी जैसी चीजों को, तो आने वाले हमारे बच्चे हैं घर में, छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे, वो इस पद्धति को एक ट्रेडिशन के तौर पे लेके आगे चलेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन स्वस्थ होंगी। कम से कम हम जाने के पहले अपनी अगली जनरेशन को कुछ और न दे के जाए, साफ हवा, साफ मन, स्वस्थ दिमाग तो दे के जाए,
ये बहुत जरूरी बिल्कुल है दादा। आखिर में मैं बिल्कुल आपसे एक बहुत जरूरी सवाल करूंगी, हालांकि ये विषय बहुत बेहद है, मैं चाहूंगी एक बार फिर कभी आपसे हम लोग बात करें और मैं दो तीन लोगों को और बिल्कुल लेके रहूं बिल्कुल सेशन में, ताकि आपसे एक डिस्कशन बिल्कुल जैसा हो सके। आखिर में आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आज के वक्त में जिस तरह से हम पैनिक हो रहे हैं, जिस तरह से हम जिंदगी की आस छोड़ रहे हैं, जिस तरह से हम डरे हुए हैं, ऐसे में अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने के लिए आपका कोई गुरु मंत्र हम चाहेंगे आप दें, जो आप देते हैं अपने सेशन में बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, और ये एक बार फिर बता दें कि ये रेमेडीज कहाँ से मिल सकती है और हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं जो जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो गुरु मंत्र एक ही है कि जैसे आपने बार 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 लोगों को बोला कि बैच फ्लावर थेरेपी को जीवन शैली बना लीजिए, बैच फ्लावर रेमेडीज को अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए और इसको दवा ना समझें। और सबसे बात अच्छी बात है जो मैं बार बार स्ट्रेस करना चाहूंगा, इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज नहीं होती है, इससे ज्यादा आसान कोई चीज नहीं होती है, इससे ज्यादा टाइम बिना कोई टाइम लगाए, बिना टाइम लगाए कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होती है। मैं क्यों बोल रहा हूं प्रतिमा जी, अपने निजी जीवन का मैं उदाहरण देके बोल रहा हूं। 4 साल पहले जो इंद्रोनील था, आज वो इंद्रोनील नहीं है, वो बैचलर के जरिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और बहुत कोई चीज नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात दादा ने बताई, और ट्रांसफॉर्मेशन पे एक पूरा सेशन दादा हमें आपके साथ करना है, क्योंकि ये बहुत जी छोटा सा लफ्ज है लेकिन बहुत बड़ा इसका अर्थ है। तो हम आप, चूंकि आप उसके भी एक्सपर्ट हैं, तो हम आपके साथ एक बार वो बात भी करेंगे। श्योर तो फिलहाल तो आज जी, तो दादा ये रेमेडीज कैसे कहाँ से मिल सकती है बस फिर बता दें, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं हाँ, ये बार बता दें। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखूँ क्या? और मैं दोस्तों को बता दूं इस बीच की बैच ला थेरेपिस्ट श्री इंद्रनील मुखर्जी बेंगलोर से हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत healthmug.com है, दादा ने ये मैसेज में किया है, मैं इसको डाल दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में। आप लोग जुड़े उनसे, और सबसे आसान तो फिलहाल ये है कि वो मेरी मेरे पेज पे टैग हैं इस वक्त, तो आप जब उनसे जुड़ जाएंगे, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएंगी। और जो बिल्कुल रेमेडीज का नाम उन्होंने बताया है, वो सारी चीजें अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, और भी साइट जहाँ पे अवेलेबल है उनको आप ले सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है जी, बहुत OneMG.com। महंगी नहीं है वो। और मुझे लगता है कि जैसा कि अभी मनीष जी ने कहा भी कि हम आमतौर पे डॉक्टर पे और इलाज पे इतना तो खर्च कर ही देते हैं, तो अगर हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो कम से कम हमें किसी खतरे में नहीं डालती है, कोई नशा हमारे अंदर नहीं पैदा करती है और हमें स्वस्थ करती है, उससे हमें जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील मुखर्जी जी हमसे जुड़े, और बहुत ही कीमती समय होता है, उनके सेशन लगातार चल रहे होते हैं, उसके बीच में 1 घंटा देना बहुत बहुत उनका हमारे ऊपर उपकार मैं कहूंगी, लेकिन ये जरूरी है कि इस वक्त ऐसे किसी के साथ 1 घंटे बात करना मेरे लिए तो बहुत मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त भी जो सुने बाद में या साथ साथ लाइव, उन्हें भी कुछ तो मिले हमारे प्रोग्राम से। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक पर भी आपसे हम बात करेंगे, जरूर तब तक जरूर के लिए जरूर। मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। आप कुछ और छूट रहा हो तो आप कह सकते हैं, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं, तो। बस मैं भी आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि ये जब भी आपने मॉडरेशन किया है, जब भी आप पोस्ट रही हैं, बहुत अनायास मेरे अंदर से बहुत सारी चीजें निकल आती हैं और उसके वजह से शायद हमारे दोस्तों को कुछ मिल जाता है। तो ये इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है और मैं तो बार बार आपसे बैठ के बातचीत करना बहुत पसंद करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा सेशन आप चाहें तो आप ग्रुप में भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल दादा। और अभी आज हम लोग एक चीज और, हम लोग की जो छुट्टी की, जब ये रेमेडीज ले रहे हो तो खान पान कैसा होना चाहिए, आचार बिल्कुल, विचार कैसा कुछ होना नहीं चाहिए, इस पर भी हम कुछ लोग नहीं जी कुछ, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, फ्रूट जूस के साथ ले सकते हैं, गर्म चाय के साथ नहीं लीजिए,
ब्लैक टी के साथ लीजिए, ग्रीन टी के साथ लीजिए, व्हाइट टी के साथ लीजिए, अपना आप अपना वाइन लेना चाहते हैं वाइन के साथ लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे के आगे पीछे लीजिए, बस और कुछ नहीं। क्या बात है, इतना सहज वाकई में आपने सही कहा, इतना सहज तो कुछ नहीं होगा, इतना नहीं सहज कुछ है नहीं होगा, बस बस रूटीन बनाइए इसको, एक दिन खाने से नहीं होगा, जीवन शैली हो जाएगी तभी कोई फर्क बिल्कुल, पड़ेगा। दादा बहुत क्या बहुत बात कर, धन्यवाद जी बहुत दादा। हाँ बहुत सही कहा है, नमस्कार। हाँ ये जीवन शैली होनी चाहिए, तो वरना तो फिर हर चीज दवा है, और अगर आप अधिक लेंगे या कम लेंगे मात्रा जो उसकी निर्धारित है, तो वो आपके लिए वो जहर बन सकता है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े, और इसको अधिक हाँ, मैं ये जी दादा बोलना चाह बोलिए रहा था, बोलिए जी गलती से अगर अधिक हो जी जाए इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये भी है। जी हाँ, ये आपने कई बार कोट किया कि कोई नुकसान नहीं है, एडिक्शन नहीं होता है इसका, और इसलिए ये एक बार तो सबको जरूर इस्तेमाल करके देखना चाहिए, और अपने ऊपर अपने शरीर पे जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं तो आपका भरोसा ज्यादा बढ़ता है, और 1 महीने का समय दें, खुद को 2 महीने का समय दें, और इसका आपको खुद असर अपने पे दिखाई देगा। दादा बहुत बहुत धन्यवाद जरूर, आपका आपका भी। जी। तो आज हमने ये बातचीत की, श्री इंद्रनील मुखर्जी बेंगलोर से जुड़े हुए थे हमारे साथ, बेस्ट टावर थेरेपिस्ट हैं वो, और बहुत सारे लोगों को लगातार सेशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी पद्धति से, उनके उपचार से, जो वो जीवन शैली बना रहे हैं लोगों की उससे, और इसको आपने देखा भी कि जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है वो ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप उनको उनसे मिलें और उनसे अपनी बात शेयर करें, और रेमेडीज उनसे मांग लें, पूछ लें, अपने जीवन में शामिल कर लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक सांस है तब तक आस है, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, इसको झूठा नहीं बनने देना है, किसी भी हाल में उम्मीद नहीं छोड़नी है, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, और उस हिम्मत में उन लोगों का हाथ थामे रखना है जिनके पास सही माने में हमें बताने लायक कोई चीज है, जिनके पास सही माने में वो चीजें हैं जिनको जानकर हम अपना और अपने अपने अपनों का भला कर सकते हैं। धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे, इस कन्वर्सेशन को देख रहे थे, अगर कहीं बीच में जुड़े तो आप उसे पूरा देखें, पूरा सुने, कहीं ना कहीं आपके काम की बातचीत होगी। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, वक्त बुरा है लेकिन बीत जाएगा, हम फिर मिलेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सुंदर वक्त बिताएंगे, अपनों का ध्यान रखें, और हम सब एक दूसरे का हाथ थामे रहें, ये वक्त की जरूरत है। नमस्कार।